हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, हमारा मॉडल वर्ब जो कंप्लीट हो गया है, आज उसके ऊपर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो मैं एक एक्सरसाइज लेके आई हूँ, तो आज उसके सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से मॉडल वर्ब को फिल किया जाता है। तो गाइस, ये हमारा है पहला सेंटेंस। तो हम इसको फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट वर्ड आउट ऑफ दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स अगेंस्ट ईच सेंटेंस। तो ये ब्रैकेट्स में मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यू हैव टू फिल फ्रॉम दीज ऑप्शंस। आपने इन्हीं ऑप्शंस में से आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो आज हम ये एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको पता भी चलेगा कि मॉडल वर्ब्स को कैसे यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट है, इफ आई वर यू आई डैश नॉट डू इट। वो कह रहा है, वैसे तो आई के साथ वॉज आता है, लेकिन जब भी हम कहीं इमेजिनरी बात करते हैं, इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो हम आई वर का यूज कर लेते हैं। इफ आई वर यू, वो कह रहा है अगर मैं तुम होता तो आई डैश नॉट डू इट। तो इसमें क्या आएगा, अब हम इसमें क्या फील कर सकते हैं बताइए, गेस कीजिए आप अपना आंसर अपने पास। तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, पास्ट में आ गया ना, कि अगर मैं तुम होता तो मैं ये नहीं, आई वुड नॉट डू इट, तो मैं इसे नहीं करता। तो मतलब ये वुड आपको मैंने बताया था कि पास्ट के लिए भी यूज होता है, तो ये यहाँ पे पास्ट का आ रहा है, क्योंकि शुड तो आएगा नहीं। विल और शैल, दिस और कैन, ये प्रेजेंट की फॉर्म्स है, तो ये आप यूज करेंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट में आएगा आपका वुड। तो सेकेंड, डैश यू प्लीज लेंड मी यूर स्कूटर। तो वो कह रहा है कि क्या तुम मुझे अपना स्कूटर मतलब उधार पे दे सकते हो। तो आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे हम अगर कुड का ऑप्शन होता तो कुड भी यूज कर सकते थे, ठीक है। कुड यू प्लीज लेंड मी यूर स्कूटर, क्योंकि कुड भी हम किसके लिए यूज करते हैं, अपने एक रिक्वेस्ट के लिए भी, एक परमिशन के लिए भी यूज करते हैं यहाँ, लेकिन हम बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड अगर ऑप्शन में है तो वुड का यूज करेंगे। तो यहाँ आएगा वुड यू प्लीज लेंड मी यूर स्कूटर, क्या तुम मुझे अपना स्कूटर जो है वो उधार पे दोगे। तो ये आपका क्या होगा, वुड का यूज आएगा यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। आप ऐसे तो नहीं किसी से मांग सकते ना, मुझे अपना स्कूटर दे दो, तो ऐसे किसी से नहीं मांगा जाता। तो अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको ऑफकोर्स दे देगा। आई डैश लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑफ माई इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग, ठीक है। वो कहता है आई लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑफ माई इनएबिलिटी इन द टू अटेंड द मीटिंग। अब इसमें क्या आएगा, वो कहता है ये मतलब आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करता ऑफ माई इनएबिलिटी टू अटेंड द मीटिंग, मतलब मेरी जो इनएबिलिटी है मीटिंग को अटेंड करने की, उसके बारे में मैं तुम्हें क्या करता, इन्फॉर्म करता। वुड लाइक टू इन्फॉर्म मतलब मुझे अच्छा लगता है तुम्हें इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो मतलब मैं तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। तो जब यहाँ भी आपका वुड का आएगा, यहाँ शुड नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, कैन नहीं आ सकता और शैल भी नहीं आ सकता, तो यहाँ भी आपका वुड का यूज होगा। वॉक केयरफुली लेस्ट यू डैश फॉल डाउन, वो कहता है केयरफुली चलो, अदरवाइज, लेस्ट का मीन्स होता है वरना तुम गिर जाओगे, ठीक है। तो वॉक केयरफुली अदरवाइज, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, नहीं तो तुम्हें मतलब तुम गिर जाओगे, यू शुड फॉल डाउन, तो तुम गिर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तुम गिर सकते हो, कैन का भी कभी कभी हम यूज कर सकते हो, वॉक केयरफुली लेस्ट यू कैन फॉल डाउन, अदरवाइज तुम गिर सकते हो, तो लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपरली शुड का यूज करेंगे। जैसे यू डैश रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, अब बताइए कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए मतलब हम कोई एडवाइस दे सकते हैं या क्या कर सकते हैं। यू मस्ट रिस्पेक्ट यूअर एल्डर्स बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट यूअर एल्डर्स। एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना कोई आपको सजेशन के लिए कोई ये नहीं है कि अगर आपकी चॉइस है तो आप करना चाहें, नहीं चॉइस है तो मत कीजिए, तो दैट इज नॉट नेसेसरी। ये इंपॉर्टेंट ये चीज है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, दीज आर द गुड क्वालिटीज, आपकी मॉरल वैल्यूज है, एंड इट इज मस्ट कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। तो यू डैश टेक रेगुलर एक्सरसाइज, शुड आप सजेशन के लिए भी यूज करते हैं, आप शुड का यूज भी करेंगे तो मतलब यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज लेनी चाहिए, तो ये आप एक सजेशन के तौर पे दे देंगे। यू मस्ट, मस्ट तो आप किसी को कह नहीं सकते कि तुम्हें बड़ा ही जरूरी है, तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज लेनी चाहिए, हो सकता है वो तुम्हारे कहने पे ना ही लेता हो, ठीक है। तो ऑर टू, यहाँ आएगा ऑर टू मतलब तुम्हें नीड है, यू नीड, ऑर टू का एक नीड ही होता है, ठीक है। तो यू ऑर टू टेक रेगुलर एक्सरसाइजेस, ये जरूरी है कि तुम क्या लो, एक जो रेगुलर एक्सरसाइज है उन्हें लो, ठीक है।
शी डैश कॉन्टेक्ट द डोर एट वंस. क्या है? शी डैश कॉन्टेक्ट द डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर एट वंस. तुम्हें क्या करना चाहिए? ये जरूरी है कि तुम एक बार डॉक्टर से मिल रहे हो. मे बी ही इज नॉट वेल, या शी इज नॉट वेल, सॉरी शी है यहाँ पे, मे बी शी इज नॉट वेल, वो अच्छी नहीं है उसकी तबीयत. तो हम क्या लिखेंगे? तो शी मस्ट, मतलब ये जरूरी है कि उसको क्या करना चाहिए. इफ शी इज नॉट वेल, इट इज मस्ट टू कॉन्टेक्ट द डॉक्टर एट वंस. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो एक डॉक्टर को एक बार कॉन्टेक्ट में कर ले, मतलब उसके साथ मिल ले कि क्या प्रॉब्लम है. दे डैश हैव बीन मोर जेनरस, दे डैश हैव बीन मोर जेनरस. यहाँ पे क्या आएगा? दे डैश हैव बीन मोर जेनरस, वो क्या होंगे? ज्यादा जरूरत है कि वो ज्यादा क्या हो? जेनरस हो. तो दे ऑट हैव बीन मोर जेनरस. यहाँ पे टू भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑट का यूज आएगा. तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे हैं जहां पे हम कुछ भी, कई बार एक मॉडल वर्ब की जगह हम एक दो यूज भी कर सकते हैं अलग अलग तरह के. वो थोड़ा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आगे से सेंटेंस बोल रहे हैं. द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डैश बी इन स्कूल एट 9 PM. वो कह रहा है स्टूडेंट्स जो हैं वो, मतलब क्या होना चाहिए उन्हें? 9 PM पे स्कूल पे होना चाहिए. द स्टूडेंट्स हैव बी इन स्कूल, मतलब उन्हें आप शुड का भी दे सकते हैं, कि अगर आपका जो मस्ट भी हो सकता है कि जरूरी है स्कूल स्टूडेंट्स को टाइम पे स्कूल पे होना, ठीक है, तो वो हम मस्ट का भी यूज कर सकते हैं इसके लिए. तो आप मस्ट भी लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स टाइम पे हो. आप शुड भी किसी बोल भी सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि आपको टाइम पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ हैव का भी यूज कर सकते हैं. हैव बी इन स्कूल एट 9 PM. यू डैश डिस ओबे यूर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें अपने पेरेंट्स को डिसोबे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो शुड नहीं आएगा, शुड हम सजेशन के लिए करते हैं, मस्ट होता है कि जरूरी है. मस्ट नॉट मीन्स यू मस्ट नॉट डिसोबे यूर पेरेंट्स, तुम्हें कभी भी अपने पेरेंट्स को डिसोबे नहीं करना चाहिए, ठीक है. अब नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट आ गया आपका गांधी जी डैश स्पिन एवरीडे. गांधी जी जो थे वो स्पिन करते थे एवरीडे. उनको नीड थी क्या एवरीडे स्पिन करने की? तो वो हर दिन स्पिन नहीं करते थे. तो गांधी जी नीड नॉट टू स्पिन एवरीडे, मतलब उनको डेली की जरूरत नहीं थी कि वो हर दिन स्पिन करें, ठीक है, तो नीड नॉट का यूज करेंगे. यू डैश अंगेज्ड टीचर फॉर योर सन, तो तुम्हें क्या है? यू मीट, यहाँ पे नीड, तो नीड नॉट तो हम नेगेटिव के लिए यूज करते हैं ना, नीड तो नीड को हम इंटेरोगेटिव के लिए यूज करते हैं, ये दोनों तो आएंगे नहीं यहाँ पे. और ऑट तो होता है कि तुम्हें बहुत ही जरूरी है, मस्ट होता है तो तुम्हें ऐसे करना ही है, ठीक है. तो यहाँ क्या आएगा? यू यूज टू एंगेज ए टीचर फॉर योर सन, तो तुम्हें जरूरत है कि तुम क्या करो, एक एंगेज करो अपने मतलब बच्चे के लिए, अपने सन के लिए एक ट्यूटर को एंगेज करो, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा आपका यूज्ड टू. नेक्स्ट उसका ही डैश नॉट कम टूमोरो, वी आर गोइंग ऑन अ पिकनिक. तो वो कह रहा है कि ही डैश, मतलब यू डैश नॉट, सॉरी यू, हाँ यू, ही डैश नॉट कम टूमोरो, मतलब ही मस्ट नॉट कम टूमोरो, उसे कल नहीं आना है. वी आर गोइंग आउट ऑन ए पिकनिक, ये जरूरी है कि वो कल ना आए, क्योंकि बिकॉज हो सकता है दे वर नॉट एट देयर होम, वो अपने घर पे ना हो, तो और उनको क्या होना चाहिए? ही मस्ट नॉट कम टूमोरो, उसे कल नहीं आना चाहिए, बिकॉज वी आर गोइंग आउट ऑन ए पिकनिक, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, ठीक है. अब आगे नेक्स्ट आएगा आपका यू डैश नॉट सी हिम, जस्ट राइट ए लेटर टू हिम, ठीक है. बट नॉट है यहाँ पे, यू मे नॉट सी, मतलब शायद तुम नहीं देखते हो उसे, या वुड भी नहीं आएगा, मस्ट नॉट भी नहीं आएगा, तुम्हें जरूरी नहीं है उसे देखना, ऐसा नहीं है. यू नीड नॉट सी हिम, तुम्हें जरूरत नहीं है कि तुम उसे देखो. जस्ट राइट ए लेटर टू हिम, सिर्फ तुम उसे एक लेटर लिख दो, इतना भी जरूरी है कि तुम उसे देखो फिर कुछ लिखो, अदरवाइज तो यू यू शुड राइट अ लेटर टू हिम. तो नेक्स्ट यू डैश वरी अबाउट द चाइल्ड, ही विल रिकवर सून. तो तुम्हें क्या है? यू डैश मतलब यू नीड, ठीक है, यू नीड वरी अबाउट द चाइल्ड, ही विल रिकवर सून. अब यहाँ पे देखिए, यू नीड वरी, या आप ऐसे लिख सकते हैं यू ऑट टू वरी अबाउट द चाइल्ड, तुम्हें अपने बच्चे के लिए क्या है?
या नीड आ सकता है, यू नीड वरी अबाउट द चाइल्ड, कि तुम्हें अपने बच्चे के लिए मतलब जरूरी है कि तुम उसकी चिंता करो, ही विल रिकवर। यू नीड नॉट, सॉरी यहाँ पे नीड नॉट आएगा, नीड नहीं आएगा, नेगेटिव के लिए यूज करती है। यू नीड नॉट वरी अबाउट द चाइल्ड, तुम्हें जरूरत नहीं है कि अपने बच्चे के लिए चिंता करो, ही विल रिकवर सून, वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पे नीड नॉट को फिल करेंगे, डैश यू पॉसिबली लेंड 1000 रुपीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, वुड यू पॉसिबली लेंड 1000 रुपीज, ठीक है। वुड या कुड भी आ सकता है, अगर हमने कुड यूज किया, कुड का ऑप्शन होता तो कुड भी आ सकता था। वुड और कुड यू लेंड पॉसिबली, मैंने पहले ही बताया था रिक्वेस्ट के लिए आप वुड और कुड का दोनों का यूज कर सकते हो, लेकिन वुड जो है वो ज्यादा पोलाइट के लिए, पास्ट के लिए भी हम वुड और कुड का यूज करते हैं। तो क्या तुम, ये पॉसिबल है कि तुम मुझे 1000 रुपीज उधार पर दे दो, ठीक है। ही हैज बीन एबसेंट फॉर ए फोर्ट नाइट, ही डैश बी इल, वो क्या हो चुका था, मतलब वो फोर्टनाइट के लिए क्या था, एबसेंट था, ही डैश बी इल। अब क्या आएगा, मे बी, ही मे बी इल, मे बी वो क्या था, दो मतलब वीक्स के लिए क्या था, वो एबसेंट था 2 नाइट्स के लिए, क्या होगा 4 नाइट्स के। अब क्या होगा कि वो क्या, ही हैज बीन एबसेंट फॉर ए नाइट, इट मीन्स ही मे बी इल, हो सकता है कि वो क्या हो, बीमार हो, ही मस्ट बी इल, वो क्या हो, मतलब इसका मतलब वो क्या है, बीमार है, ये जरूरी है कि वो बीमार है इसलिए वो एबसेंट है, तो ही मे भी आ सकता है, शायद वो एबसेंट हो इसलिए भी हो सकता है, ठीक है, मस्ट और मे दोनों ही आ सकता है। यू डैश टू रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट यूर एल्डर, ठीक है, या यू मे टू रिस्पेक्ट यूर एल्डर्स। अब मे टू मे होता है कि यू तुम्हें शायद करनी चाहिए, तो यू मस्ट भी आ सकता, यू मस्ट ये है वो ज्यादा है कि तुम्हें अपने उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो डैश आई स्पीक टू द प्रिंसिपल फॉर अ मिनट, तो वो कह रहा है डैश आई स्पीक टू द प्रिंसिपल, मे आई स्पीक, क्या मैं बात कर सकता हूँ। आप जैसे भी स्कूल्स में होते हैं तो आप बोलते हो कि मे, आप मे का यूज करते हैं ना जब भी स्कूल्स में होते हैं, कि मे आई कम इन मैम, मे आई डू इट, तो ये सब आपका वो है, लेकिन हम क्या फील करेंगे, आप कुड का भी यूज कर सकते हैं, कुड आई स्पीक, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप मे का करेंगे प्रिंसिपल के लिए अपने बड़ों के लिए, तो वो ज्यादा ही क्या होगा, पॉजिटिव वे में होगा। तो आप मे आई स्पीक टू प्रिंसिपल फॉर मिनट, क्या मैं प्रिंसिपल से बात कर सकता हूँ, यहाँ पे मे को ऑप्शन आ जाएगा। वी हैव बर्न द मिड नाइट ऑयल, यू डैश बीन अ स्कॉलरशिप, वो कहता है मैं क्या कर चुका हूँ, मिड नाइट ऑयल को बर्न कर चुका हूँ, इसलिए यू, यू क्या आएगा, यू कुड हो सकता है, यू मस्ट हो सकता है, नीड हो सकता है, क्या आएगा, यू ऑट टू विन अ स्कॉलरशिप, तो ये जरूरी है कि तुम क्या करो, ये नीड है, यू नीड टू विन अ स्कॉलर, मतलब शिप, यू ऑट टू मतलब ये क्या है, जरूरी है कि तुम क्या कर लो, एक स्कॉलरशिप को विन कर लो, ठीक है, तो ऑट टू का यूज होगा। आई डैश कम नॉट यस्टरडे सिंस आई वॉज टू बिजी, वो कह रहा है आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था, मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है। अब देखिए पास्ट की बात है तो विल और शेल, कैन मस्ट नीड तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब शुड जो है शेल का है, लेकिन वो चाहिए में आता है, लेकिन वो यहाँ पे इसका मीनिंग नहीं बनती, मतलब सेंस नहीं बनती, तो यहाँ कुड ही आएगा। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैंने पहले ही बताया था जब हम पास्ट के बारे में बताते हैं तो हम कुड का भी यूज करते हैं। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था, सिंस आई वॉज टू बिजी, क्योंकि मैं क्या था, बहुत ज्यादा बिजी था। तो गाइज ये आपकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज जो मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, तो आप इसको फिल करना और ट्राई करना कि किस तरह से कौन कौन सा मॉडल वर्ब इसमें यूज होगा। तो आई होप कि आप इसको प्रॉपरली तरीके से डिस्कस करेंगे सारे मॉडल वर्ब्स को, और इसमें फिल भी करेंगे जो अप्रोप्रिएट होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.